अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो ये वो चीज़ है जो आप यहाँ पर रुककर एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो हे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं महादेव खोजरा केव्स। काफ़ी सुंदर सी जगह है, चुरल रिजॉर्ट के आगे ही आती है। सुबह हम लोग जा रहे हैं और ऑब्वियसली पोहे के बिना शुरुआत कैसे हो सकती है। तो अभी हम लोग हैं वही चार लोग, अभी आप लोगों को मिलवाते हैं और पोहे लेते हैं और खाते हैं और निकलते जाते हैं। महादेव खोदरा इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी पर आता है और यहाँ जाने के लिए आप महू से होते हुए गूगल मैप्स की हेल्प से पहुँच सकते हैं। अभी हम लोग महू पहुंच चुके हैं। महू में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्मभूमि है, यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और चोरल डैम के आगे ही थोड़ा सा आता है महादेव खोदरा केव। तो अभी मौसम बड़ा अच्छा था इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है, बट थोड़ी थोड़ी धूप भी है, बट हमें उम्मीद है कि बारिश होगी। सो देखते हैं। और इधर प्रियांश, हेलो गाइस, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग, बहुत टाइम बाद बहुत बना। कहाँ जा रहे हैं आज? आज हम लोग जा रहे हैं चोरल डैम के पास में एक भोलेनाथ का मंदिर है, जिसको बोलते हैं छोटा अमरनाथ, जो कि है क्या नाम है, महाकाल महादेव खोदरा के खोदरा महादेव। हेलो, इसका कुछ और कर भाई, तेरे को पहले ब्लॉग से यही कर रहा है तू। दोगली बातें कर रहा है, जाना नहीं है क्या भाई? अरे जाना है, हर जगह पे थोड़ी ना रुकेंगे। जाना है लेकिन तुम रास्ते का तो मजा ही नहीं ले रहे। मैं ले रहा हूँ, मेरे को तो बहुत आ रहा है गाड़ी चला चल ले है? क्या हम लोग आ चुके हैं दद्दूस कैफे पे। और अगर आप लोग आ रहे तो चश्मा लाना मत भूलना, बिकॉज मेरी आंखें पूरी लाल हो चुकी है। और कितना किलोमीटर बचा? पता नहीं। हाफ बचा है मेरे साथ। अभी कुछ खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। और पानी भी ले लेना क्योंकि आगे आपको कोई शॉप मिलेगी नहीं चोरल डैम के आगे। अरे छी, यही है वो वैसे जब भी इस रोड से निकलना होता है यहाँ के सुंदर नज़ारे और सड़कें आपकी सारी थकान दूर कर ही देते हैं। चोरल जाते समय रास्ते में एक बहुत ही सुंदर रास्ता आता है जो कि अभी मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो ये वो चीज़ है जो आप यहाँ पर रुककर एक्सपीरियंस कर सकते हो। और आप बस आवाज़ सुन सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा है। वाओ, एक खाली सड़क के किनारे एक छोटा सा वाटरफॉल। और आई थिंक ऐसी छोटी छोटी चीजें एक्सपीरियंस करना ही ना जर्नी का पार्ट होता है। तो चोरल रिजॉर्ट पार करने के बाद आता है एक लंबा घना रास्ता। तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी में सफिशिएंट पेट्रोल हो और आपके बैग में सफिशिएंट पानी। वाह भाई, शहर से दूर। शहर से दूर, शहर के बाद। सो हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव खोदरा केव्स, और इसे छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है बिकॉज अमरनाथ की तरह यहाँ पर भी ऐसे केव में है मंदिर। और बड़ा अच्छा व्यू है, मतलब हम लोग रास्ते में आ रहे सोच रहे थे कहाँ आ गए, बड़ा दूर आ गए, बड़ा सुनसान जगह पे आ गए, बट व्यू ने हमारी सारी थकान दूर कर दी है। यहाँ पर हमने गाड़ी रखी है और यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चलनी हैं, जहाँ तक मुझे पता है शायद 300-400 सीढ़ियाँ हैं। हमें लगा था बारिश होगी क्योंकि दो दिन से इंदौर में बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, बट बस अब बोलने लायक कुछ नहीं है, इस व्यू ने हमें चुप कर दिया है। मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत देर से, बट व्यू सच में। Wow.
और ध्रुव भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बस क्या बस नजारा भाई, क्या नजारा भाई दिखा ये देखो भाई, तो यार तो फोन में नहीं दिखेगा यार यहाँ पे, अगर बारिश होती आज तो ये पूरा पानी से होता। हाँ यार भाई, और यहाँ पूरा कोहरा होता। इंदौर में बारिश हो रही है, अभी मेरी फोन पे बात हुई एक फ्रेंड से, तो वहाँ बारिश हो रही है भाई। यहाँ पे व्हाट टू से रहा हूँ, माहौल बन जाता अगर बारिश, माहौल भी नहीं है यार बारिश होने का, बिल्कुल धूप है, बट मजा आया। इट्स अ हिडन प्लेस आई थिंक, है ना? हिडन प्लेस ही एक तरह की, ज्यादा लोगों को नहीं पता, अंडर रेटेड कह सकते हैं। यहाँ पे अगर पानी है तो आहा आता है बारिश में। अभी वो देख, ये तो झरना है ना, हाँ वो झरने से होके नीचे आता है। हाँ भाई मिस हो गया कुछ, अपने को अगस्त के बाद आना था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पूरे एंड पे, अब यहाँ शूज उतार रहे हैं, अंदर है थोड़ा सा मंदिर गुफा के, और यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है, अगर आप बारिश में आते हो तो आपको थोड़ा बहुत झरने वाला फील मिलेगा, थोड़ा ठंडा भी मिलेगा, ठंडा लगेगा मतलब, अभी थोड़ी गर्मी लग रही है। तो कुछ ऐसी गुफा है जिसके अंदर जाकर आप भगवान महादेव के दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह एक नेचर लवर हैं तो पानी की आवाज़ सुनकर आपका दिल भी खुश हो ही गया होगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कचरा ना करें, यहाँ के पानी में थोड़ा सा ही पानी है बट वहाँ भी काफ़ी सारी बॉटल पैकेट पड़े, और ये पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा नहाना वहाना हो गया, पानी में दर्शन आप लोग कर सकते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। सॉरी, इधर थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचा सकते हैं बट ध्यान रखना सेफ्टी का। और अब वापस ऊपर जाना है, और मेन पार्ट ये है 300 सीढ़ियाँ, ऐसी स्टीप सीढ़ियाँ पूरी करना। सॉरी मेरे बाल, बट वाह मज़ा आया, ज़्यादा कुछ था नहीं बट यहाँ पर आपको नज़ारा देख के ज़रूर मज़ा आएगा, क्योंकि जितना हम लोग ऊपर जाते हैं इससे पूरा गोल सी धरती दिखती है जो बड़ी अच्छी लगती है। हम लोग महादेव कोदरा केव से वापस आ चुके हैं, और अभी हम लोग रुके हैं चोरल डैम पर, और नज़ारा बड़ा सुंदर है यहाँ का भी, अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पर ज़रूर रुकना, बिकॉज बड़ा अच्छा है। मैंने पूरा ब्लॉग बनाया, आप यहाँ पर टैप करके देख सकते हैं, यहाँ पर टैप करके आप ब्लॉग देख सकते हैं, और यहाँ पर बोटिंग भी चालू हो चुकी है, पैडल बोटिंग जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिली थी, पूरा व्लॉग आप लोग देख सकते हैं मेरे चोरल डैम का। बाकी अभी हम लोग 1% फ़ोन में बैटरी, आई होप वीडियो बंद ना हो जाए। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट कर सकते हैं कैसा आपको वीडियो लगा, क्या सजेशन है आपका, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, अभी हम लोग थोड़ा नज़ारा इन्जॉय करते हैं और चलते हैं फिर घर की तरफ।